गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाई, काफ़ी दिनों के बाद मैं आज व्लॉगिंग कर रहा हूँ। आई गेस चार एपिसोड मैंने अपने चैनल पे रिलीज़ करे हैं, उसमें मैं नहीं था। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि वो मेरे फ्रेंड्स थे जो स्पीति टूर पे गए थे, तो मैं उन्हीं का जो ट्रिप है उसको एडिट कर रहा था। तो गए वो लोग थे, कंटेंट वो लोग लेके आए थे, मेरा काम सिर्फ उसको एडिट करके अपने चैनल पर अपलोड करना था। सो खैर, कम टू द पॉइंट, अभी बज रहे हैं रात के 12 और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ शिमला जाने के लिए। तो हम लोग तीन कपल्स जा रहे हैं और हम लोग बाय बस जा रहे हैं, हमने वॉल्वो बुक कर ली थी। और भाई फॉग अभी तो नहीं था बट अभी एकदम हुआ है और वेदर भाई बिल्कुल ठंडा हो रहा है। वहाँ पर मैंने कॉल करके पूछा है, बोल रहे हैं कि स्नोफॉल तो दो दिन से रेगुलर हो रहा है और कुफरी का रास्ता भी उन लोगों ने बंद कर दिया। बट अभी फ़िलहाल जाते हैं, देखते हैं कि हम लोग कुफरी जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। और अभी तक का तो सफ़र बहुत अच्छा चल रहा है, बस में पूरी हंसी मजाक मस्ती करते हुए जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे का ट्रिप कैसा रहता है। और हाँ, इस व्लॉग में आप लोगों को बहुत कुछ दिखने वाला है। और अपने जो बस के ड्राइवर हैं भाई, ये तो खतरनाक ही हैं, हैवी ड्राइवर हैं। टांगे सेम करियो, टांगे गंदा सेम है, टांगे सेम करियो। यस, तो हम लोगों का प्लान शिमला जाने का एकदम ही बना और स्नोफॉल का मजा लेंगे। हाँ, मेरे साथ मेरा फ्रेंड है आनंद। हाय। मेरा ऑफिस का फ्रेंड है और मतलब मजा आता है जब ये साथ जाता है ना, फुल टाइम पास करवा देता है, हंसी मजाक ये सब सब चलता है। अभी रास्ते में हम लोग खूब हंसी मजाक करते हुए आ रहे हैं और 100 किलोमीटर्स का पता ही नहीं लगा कि कब कवर हो गए। तो अभी मैंने जो बस बुक करी है वो है इंटरसिटी स्कानिया। तो मेरे को जो टिकट उसकी पड़ी है वो अराउंड 700 रुपीज़ की पड़ी है पर पर्सन, और मिल गई, ईजिली मिल गई। यहाँ पर खड़े हैं शिवा मामा यादव, ये एक रेस्टोरेंट मामा यादव का ढाबा आयुष के साथ है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा। किस बात का? इस बात का कि मैं अपने खास भाइयों के साथ आया हूँ घूमने के लिए। बस कर पगली प्यार हो जाएगा। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:05, मतलब 9 घंटे हम लोग चलने के बाद पहुंचे शिमला। और बर्फ पिघल रही है, पिघलने की थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ी हुई है, थोड़ी थोड़ी तो कुछ थोड़ी थोड़ी ऐसी टाइप की कुछ जो मेल्ट हो रही है, जैसे वो नहीं होते जैसे कपड़े धोने के बाद किसी ने सर्फ डाल दिया हो थोड़ा सा। हम लोग ना अभी शिमला से 3 किलोमीटर पहले ही है, तो इसने हमको पहले उतार दिया क्योंकि इन लोगों का यहाँ पर जो भी इनका डेस्टिनेशन पॉइंट होता है वो यही वाला पॉइंट है, इससे आगे जाते नहीं, फिर इसके आगे टैक्सी लेके जाते हैं। यहाँ पर छोड़ा, यहाँ से 3 किलोमीटर है अभी शिमला। अब ये भाई से पूछता हूँ, भैया शिमला छोड़ दोगे? भाई तुम्हारा नाम क्या है? सोनू ठाकुर। तो सोनू ठाकुर भाई ने हमको शिमला तक छोड़ रहे हैं और सबसे अच्छी बात है हमसे पैसे नहीं लेंगे। और ये देखो मनाली यहाँ से 243 किलोमीटर है और सीधा नारकंडा और शिमला। अंकल जी स्नोफॉल हो सकता है आज या कल में? अब नहीं होगा। हाँ, कुछ वो सामने जाखू टेंपल है, ये हनुमान जी की आप मूर्ति देख रहे हो सामने, जाखू टेंपल है, वहाँ भी जाएंगे हम लोग। अभी आज ट्यूसडे है तो दर्शन भी कराएंगे भगवान के। सर्विस पे कॉल करो। हेलो भाई, साथ में बोलो। हाँ, ब्रेक बची भेज देना ऊपर, ठीक है वो वाला आउट। आयुष के लिए क्या चाहिए? एक आलू प्याज के पराठे और चाय। सो फाइनली स्नोफॉल हो गया है एंड वी आर एंजॉइंग। और अब भाई ये व्यू देखो, पीछे पूरा स्नो, पीछे सारे में स्नो रखा है। अभी तो बहुत स्लो था, अब तो बहुत तेज़ हो गया है भाई, घसम मतलब आना वसूल।
सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं माल रोड पे और क्राउड तो ठीक ठाक है भाई, क्योंकि कल 26 जनवरी है और अच्छा खासा क्राउड है। स्नोफॉल हो रही है जैसा कि आप देख सकते हो, और अभी बहुत तेज़ हो रही थी, अब थोड़ी स्लो हो गई है, बट बर्फ काफ़ी पड़ी हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हो ऊपर चर्च के पास, ये पीछे एरिया में और यह माल रोड की साइड पे बहुत बर्फ़ है। मैं अराउंड एक साल के बाद, 1.5 साल के बाद यहाँ पर आ रहा हूँ। 2019 अगस्त में आया था बाइक से, उस टाइम तो खैर बारिश का टाइम था, बट यार लाइव स्नोफॉल सेकेंड टाइम देखा है और आना वसूल। तो अगर इन दिनों आप आने का प्लान कर रहे हो ना, तो आपको स्नोफॉल मिल सकती है। अगर आप मतलब फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक भी आ जाओगे तो भी मिल सकती है, बट आज का अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि सुबह से धूप निकली हुई थी और एकदम ही स्नोफॉल हुआ है और भाई मज़ा आ गया। भैया भैया ये जाखू मंदिर का रास्ता कहाँ से है? वो जो ट्रॉली जाती है यहाँ से। स्नोफॉल बहुत तेज हो चुका है, ओ भाई मजा आ गया। क्या हो गया? कहाँ घुस गई? देखो पाजी, सारे लोगों के लिए एक बात बोलना चाह रहा हूँ, हमने पैसे की कर दी माँ बहन एक, पूरे पैसे हो गए वसूल। सारे स्नोफॉल करीबन 30 मिनट, माँ कसम जिंदगी में ऐसी स्नोफॉल नहीं देखी जो 26 जनवरी से पहले 25 को देख ली दिन में। वीडियो में आप जरूर देखी। शिमला में हुई बर्फबारी, यस yes। और हम दिल्ली वाले 100 पे भारी। दिल्ली वाले 100 पे भारी नहीं, 1000 पे भारी। सो गाइस, रोपवे का जो रास्ता है जाखू मंदिर जाने के लिए, वो जब आप चर्च की तरफ आओगे तो चर्च के राइट साइड से एक रोड आती है पीछे की तरफ, तो वहां पर आके आपको फिर ऊपर आके नीचे जाना पड़ता है। तो ये रास्ता है, मिनट वन से मिनट उस बीच में मिलेगा आपको एक भूतिया बर्फीली गुफा जिसके ऊपर होगी बलिनो अल्टो येति। बट भाई एक चीज़ का ध्यान रखना, जब बर्फ़ पड़ती है उसके बाद जब सब एक दूसरे को बर्फ मारे, तो अभी एक लड़के के पत्थर लग गया सर में, उसके काफ़ी ब्लीडिंग हो गई, तो उन्होंने सोचा कि बर्फ़ है लेकिन उसके अंदर पत्थर था, तो उन्हें जब मारा तो है। इसी बीच में मेरी भी बात सुन लो, जाकुरा के साइयां मार सके ना कोई, पत्थर मारेगा तो कोई बचा भी ना पाए। रोपवे पे जाने के लिए 295 की टिकट है वन साइड, और आने जाने की 550 की है। तो यहाँ पे 11th फ्लोर पे है, सो बट यहाँ पर हाफ एन आवर की वेटिंग है। ओ भाई साहब, ओ शिट, ऐसे आ रहे हैं लोग, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्लिपरी है। आराम से बस, आराम से। आप फिसल के नहीं, लेकिन नहीं जा रुक जाओ, रुक जाओ, एक मिनट रुको, आप खिसक के यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, और शुरू करेंगे विवेक, और इधर आओ, साला मुंचा नहीं दिख रहा। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, पाजी इनको उठाओ,
खड़े हो, रुक जाओ इस पे आओ बर्फ पे, इस पे आओ बस। अब रुको मेरा हाथ पकड़ना, इधर से आइए आराम से, मेरा हाथ पकड़ना, धीरे-धीरे आओ नीचे, धीरे-धीरे आओ, हल्का-हल्का जमा, पंजा आगे से दबा के रखो, रुको ना, मत करो, गिर जाओगे, रुक जाओ, एक एक करके जाओगे, कोई बात नहीं, धीरे-धीरे आओ, वो गिरेगी पक्का, ठीक है बस। कापना है ना सर, चाकू मंदिर पे बहुत ज्यादा बर्फ है, और पता है अभी हमने 3-4 लोगों को रेस्क्यू किया है, अभी आपने वीडियो में देखा भी होगा, और यहाँ पर ना अगर आपके शूज अच्छे नहीं है तो डेफिनेटली आप स्लिप हो जाओगे, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो मेक श्योर कि जब यहाँ पे आओ ना अच्छे ग्रिप वाले शूज लेके आना। ये देखो अभी भी स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा स्नो है, बिल्कुल फ्रेश, देखो इट्स लाइक कॉटन, जैसे कॉटन होती है ना, ये देखो कितनी फ्रेश। पीछे में हनुमान जी का स्टैचू, हाईएस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, जाखू मंदिर शिमला, और बहुत स्नो है, बहुत ज़्यादा स्नो है, मुझे लगता है कुफरी जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अब यहीं पे इतना देख लिया हुआ, ज़रूरत ही नहीं है जाने की। This is the tallest statue of हनुमान जी, और मैं जब लास्ट टाइम आया था उस समय अगस्त का टाइम था, तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो बिफोर और मतलब गर्मियों में कैसा दिखता है और सर्दियों में कैसा दिखता है तो वो आपको पता लग जाएगा। स्नो देख रहे हो कितनी है बॉस, जय बजरंगबली। सो इस तरीके से उतरना बहुत रिस्की रहता है, आपको पैर जमा के चलना पड़ता है, अगर आपने पैर लूज छोड़ दिया तो एकदम स्लिप हो जाएंगे और फिर उठने में दिक्कत होती है बाद में। ध्यान से पैर जमा के शकला का बूम बूम। तो बचपन में बहुत देखता था तेरे पास मैजिक पेंसिल है वो वाली, कितनी स्नो है भाई। भी अब चलते हैं ट्रॉले वाले के पास, हरियाणा में बात करेंगे, अरे भाई कब को छोड़ेगा। सो जाखू मंदिर की जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो ये है कि जैसा कि हमें पता है कि रामायण में हमें दिखाया था लक्ष्मण जी के जब मूर्छित हुए थे, मूर्छित मतलब कि जब उनके तीर लगा था, तो उस टाइम हनुमान जी यहीं पर आए थे, तो जब वो संजीवनी लेने गए थे तो उन्होंने इसी जगह पे आके रेस्ट किया था, तो जाखू मंदिर इसीलिए जाना जाता है। और यहाँ पर कुछ ऐसे सिंबल्स भी हैं जो उस चीज़ को डिनोट करते हैं, इन्होंने भी लोकल जो है यहाँ के उन्होंने दिखाया, तो ये वो जगह है। और यहाँ पर ना इस मंदिर की जो स्थापना है वो अगस्त 1857 में की थी, और अंदर मंदिर के अंदर फ़ोटो भी लगी हुई है, क्योंकि अलाउड नहीं था फ़ोटो क्लिक करना, इसलिए मैं कैमरा लेके नहीं गया। मुझे नहीं लगता कि अब कुफरी जाने की ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा स्नो हमने यहाँ पे देख ली, और कुफरी में क्या है सेम ही होगी, यहाँ पे भी स्नो है वहाँ पे भी स्नो होगी, बल्कि यहाँ पर तो मुझे इतनी फ्रेश स्नो मिली बहुत देर से, इनफैक्ट सुबह 1 या 2 बजे से स्नोफॉल हो रहा है, कॉन्टीन्यूस हो रहा है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा बट हो कॉन्टीन्यूस रहा है। तो इसी के साथ अब यहाँ से चलते हैं शिमला नीचे रोपवे से, और मिलते हैं आपको सीधा शिमला में, क्योंकि अब जाते टाइम सेम ही है जो आते टाइम दिखाया था, तो मिलते हैं आपसे डायरेक्ट शिमला में। हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं ये बन और छोले, कुलचे और छोले, बहुत टेस्टी छोले हैं, मज़ा आ गया। दिल्ली में लोटन के मिलते हैं दरियागंज पे, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे आओगे तो माल रोड के पास ही चर्च के सामने फ्रंटियर करके एक शॉप है, बहुत टेस्टी है। ये देखो फ्रंटियर वाली शॉप है, फ्रंटियर रसगोड़ा के छोले टिक्की, छोले कुलचे, और क्या छोले समोसा। हाँ मैं वो आ तो गया, नहीं मैं नहीं लूँगा, मैं वो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत टेस्टी है ये कुलचे छोले। आप एक समोसा टिक्की छोले दो ही बनाएंगे और छोले समोसे।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच वॉचिंग। आप कर देना सब्सक्राइब, बच्चे ने बोला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करो, जय करो मास।